पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH-154A द्वारा उप तहसील धरवाला बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए लगाया गया डंगा मात्र 10 महीनों के भीतर ही ध्वस्त हो गया। सरकार और प्रशासन ने यह डंगा लोगों की सहूलियत के लिए लगाया था। लाखों के बजट से लगाया गया ये डंगा 10 महीनों के अंदर ही ध्वस्त हो गया है। हर दिन यहाँ उक्त स्थान पर कम से कम 30 से 40 गाड़ियां पार्क हुआ करती थी। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से, लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। खैरियत ये रही कि घटना के समय उक्त स्थान पर एक भी गाड़ी पार्क नहीं की गई थी। अगर यही हादसा रात के समय होता तो कम से कम 10 से 15 गाड़ियों को नुकसान पहुंचता। अगर इसी तरह NH विभाग द्वारा कार्य किए जाएंगे तो ये सरासर सरकारी पैसे का दुरुपयोग होगा। वहीं निर्माण के 10 दिनों के अंदर ही डंगे के ध्वस्त हो जाने से विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। आज NH-154A विभाग द्वारा उप तहसील धरवाला बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए लगाया गया डंगा मात्र 10 महीनों में ही गिर गया। मेरा प्रशासन व सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द यहां पर तुरंत नया डंगा लगाया जाए और संबंधित विभाग और ठेकेदार के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना ना घटे। साथ ही आपको बता दें कि यह डंगा पार्किंग निर्माण के लिए लगाया गया था। यहाँ पर कम से कम 30 से 40 गाड़ियां आए दिन पार्क की जाती थी। अगर यह हादसा रात के दिन हुआ होता तो कम से कम यहाँ पर 10 से 15 गाड़ियों का नुकसान हो जाना था। लेकिन खैरियत यह रही कि जिस समय यह घटना घटी उस समय यहाँ पर एक भी गाड़ी पार्क नहीं की गई थी। स्थानीय निवासी पूर्व वार्ड मेंबर संजय राजपूत ने कहा कि इस तरह से डंगे ध्वस्त होते रहे तो ये सरासर सरकारी धन का दुरुपयोग कहलाएगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील करते हुए कहा है कि जल्द इस स्थान पर नया डंगा लगाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिलती रहे और इस विषय पर संबंधित विभाग और उक्त ठेकेदार पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। भरमौर से OP शर्मा की रिपोर्ट।